आज बर्गर खाएंगे एक हेल्दी सा अनहेल्दी और हेल्दी सा नाश्ता करेंगे और देखते रहिएगा ब्लॉग अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आज हम जा रहे हैं नाश्ता करने सदर में एक रेस्टोरेंट खुला है खुला तो रेस्टोरेंट तो नया नहीं है रेस्टोरेंट तो पुराना है लेकिन उन्होंने नाश्ता इंट्रोड्यूस करवाया है और नाश्ता में उनका सारा देसी सारा स्टफ़ है जैसे हल्वा पूरी निहारी नान चने इस तरह गर्� की चीज़ें हैं पाए तो मैं पापा को भी लेके जा रहा था आपको भी दिखाऊंगा सदर में ये ग्लोरिया जीन्स के साथ चाशनी रेस्टोरेंट है एक मेरा पहले भी ब्लॉग आ चुका है नहीं उसका मैंने ब्लॉग नहीं किया था तो वो जो रेस्टोरेंट है उसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा चाशनी रेस्टोरेंट ये इसकी दो ब्रांचेज हैं इस्लामाद में एक इसकी ब्रांच वहाँ है डी में और एक इसके सदर में है तो आपको रेस्टोरेंट भी दिखाऊँगा बड़ा अच्छा है नीचे उनकी स्वीट की दुकान है मिठाई वगैरह बेचते हैं मतलब बेसिकली थी ये मिठाई की लेकिन उन्होंने फिर इनकी मिठाई बड़ी मज़े की थी उन्होंने फिर ऊपर रेस्टोरेंट भी खोल लिया तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है बड़ा पुराना वो इन्होंने तर्ज का बनाया हुआ है और आपको दिखाऊंगा, तो ब्लॉग देखते रहिए ये जी इनका नाश्ता सबसे पहले थाली में बेसिकली कॉन्सेप्ट है इनका कि थाली में ये देते हैं ये हलवा पूरी वगैरह थी और ये पराठा और डबल ऑमलेट था और ये इनकी शाही थाली थी जिसमें चने कीमा और आलू फ्राई वगैरह थे और ये एक था ये एग स्क्रैम्बल्ड एग क्रोसॉर्ड था उसके साथ ये बड़ी ही मजे की सॉस थी काफ़ी मुझे अच्छा लगा जी इनका खाना और थालियाँ जो थी ना इनकी इसके पोर्शन ये देख लें आप ये कह लें कि अगर आप ये दो दो तीन तीन लुकमे लें तो उसके हिसाब से ये एक कटोरी अगर भर के लुकमा लें तो ख़त्म हो जाती है लेकिन ये कि चीज़ें ज़्यादा थी तो इस वजह से इनका ये कि दो पराठे भी ख़त्म हो जाते थे और इधर जो दो पूरियाँ दी थी वो भी मतलब ख़त्म की जा सकती थी तो अच्छा जी काफ़ी अच्छा सिस्टम रहा इनका और क्रॉसेंट तो मुझे बहुत ही मज़े का लगा बल्कि ये तो मैंने बाद में भी मतलब तो ट्राई किया एक दफ़ा और गया तो मैंने फिर इनका तो ट्राई करवाया था बच्चों को भी और फिर उसके बाद मैंने मसाला चाय पी मसाला चाय इनकी बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्ती उसमें दार चीनी और इस तरह की चीज़ें थी तो मेरा तो गला ख़राब था ना वो ठीक हो गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनकी मसाला चाय उसके बाद फिर मैं काफ़ी ज़्यादा सारा तो नहीं खा सकता था कुछ हमने फिर पैक करवा लिया मैं फिर अपना ये घर ले आया था घर में आ, क्या एक थाली पैक करवाई थी मैंने एक एक पूरी थाली बच गई थी क्रॉसोंट का एक पूरा स्लाइस बच गया था और आ, जो हलवा पूरी तो ख़त्म हो गई थी स्क्रैम्बर टैग बच गया था थोड़ा सा सॉरी ऑमलेट जो था वो भी बच गया था तो ये इस तरह की पैकिंग करके उन्होंने मुझे दी थी और बड़ा ज़बरदस्त इनका पैकिंग साफ़ सुथरी सी और घर ये देख लें कि बगैर कुछ गिरे वगैरह घर इनका पहुंच गई थी सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी से इनके वो पैकिंग सिस्टम में इनके पैकिंग मटेरियल है तो ये सारी चीज़ें मैं फिर घर ले आया तो फिर हमने घर में बैठ के खा ली थी बच्चों ने खा ली थी क्योंकि मैं सारों को नहीं लेके गया था आज आ, बस पापा को साथ लेके गया था और छोटे बेटे को लेके गया था तो हम लेकिन वो तीन थालियाँ दो थालियाँ सॉरी एक आए ऑमलेट और फिर चाय और फिर क्रास सारा तो नहीं खा सकते थे तो इस वजह से मैंने फिर ये कुछ पैक करवा लिया था और ये ये इसके अंदर मेरे ख़्याल से क्रोसॉँट था और हाँ जी बिल्कुल ये रहा क्रोसॉँट और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जी बड़ा मज़े का था ये और हमने ये बाद में भी फिर दो तीन दफ़ा और ये थाली के देखें ये उसने पैकेट बना दिए थे हर उसके जो जो थाली के अंदर था ना उसको प्लास्टिक के इसमें डाल के इन्होंने फिर ये अलग से पैकेट बना दिए थे काफ़ी अच्छा इन्होंने पैकिंग करके हमें दे दी थी साफ़ सुथरी थी ये कि हमने फिर इन्हीं के अंदर खा लिया था बर्तनों में निकालने के बजाय इसी के अंदर खा के फारिग हो गए थे हम और इनको पै उसी तरह शॉपर में डाल के हमने फिर कूड़े में डाल दिया था बड़ा मज़े का इनका खाना था लेकिन ये कि पोर्शन साइज़ जो था ना इनका वो थोड़ा सा मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कम था थोड़ा सा कम मतलब ज़्यादा भी कम नहीं था लेकिन थोड़ा सा कम था इनका पोर्शन साइज नाश्ते के बाद ना दोपहर को फिर मुझे एक जगह जाना था ये जी नाइन मरकज के बिल्कुल साथ एक है जहांगीर मार्केट जहांगीर मार्केट में ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है खान चिप्स एंड बर्गे ये मा, ये जो रेस्टोरेंट है ये आठ साल से इधर है और ये अफगानी बर्गर और अभी इन्होंने रिसेंटली एक नया आइटम इंट्रोड्यूस करवाया था डबल डेकर जीगर बर्गर ना उसके अंदर दो जिंगर बर्गर की बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी फ्राई हुई हुई पैटी क्रिस्पी सही वाली क्रिस्पी पैटी और uh, क्या कहती हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुझसे मैंने ये फिनिश कर लिया था uh, मतलब इतना हैवी भी नहीं था आप ये देख लिए देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी सॉसेस गिरी हैं फ्राइज़ और कोक के साथ ये देती हैं तो बिग माउथ बर्गर था लेकिन ये कि इतना भी बिग माउथ नहीं था तो थोड़ा सा अगर आप प्रेस करके जैसे ये मैंने थोड़ा सा पहले प्रेस कर लिया था और फिर मैंने इसकी बाइट ली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बहरहाल ये बर्गर बहुत ज़बरदस्त था और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि अगर आप लोगों का चक्कर लगे जी नाइन में तो ये इस इस रेस्टोरेंट का अफगानी बर्गर और ये बर्गर जरूर ट्राई कीजिएगा अल्लाफ